हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस ए बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज हमारे साथ राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सिंह भूचाल जी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कमलेश यादव जी मौजूद हैं। कमलेश यादव जी और करण सिंह भूचाल जी, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ भूचाल जी, आपकी पार्टी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी किस तरह के आयोजन करने जा रही है और क्या आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बारे में बताएं। राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी इस बार 33वां स्थापना दिवस उत्तराखंड में जिला उधम सिंह नगर में मनाएगी। जो हमारे उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं देवव्रत जी, उनकी मौजूदगी में ये सारे कार्यक्रम होगा। अब हम पार्टी का स्थापना 33वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री कमलेश यादव जी और हरियाणा के प्रभारी आत्माराम और बहुत सारे पदाधिकारी जो है वहां पे उपस्थित हैं। अच्छा, ये जो आप स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य एक समाज की भलाई के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम पार्टी का स्थापना दिन 33वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और पार्टी का हर साल मनाते हैं। कभी किसी स्टेट में मनाते हैं, कभी किसी स्टेट में मनाते हैं, मनाते रहेंगे। ये समाज की भलाई, मजदूरों की भलाई, मजदूरों के कल्याण के लिए करते हैं। और मजदूरों के कल्याण के लिए, मजदूर का मतलब सभी हमारे भाई बंधु सभी का हम कल्याण करने के लिए। अध्यक्ष जी, आपकी राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी है, मजदूरों से संबंधित पार्टी है, मजदूरों की इस वक्त कैसी दशा है? क्या उनकी स्थिति अच्छी है, बेहतर है या अभी खराब स्थिति है? देखो मजदूर, हम पार्टी मजदूरों की जरूर है, लेकिन ये मजदूर तो वर्ग हमारे देश में अंदर, आज हमारा पुलिस वाला भी मजदूर है और हमारे जो अधिकारी वो भी मजदूर लेबर एक्ट में आते हैं। यह है कि समाज की भलाई के लिए सभी मजदूर वर्ग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मेहनत लोग हैं, उनके लिए हमने इनकी भलाई के लिए ही पार्टी बनाए रखी है। इसमें हमारा कोई किसी जाति धर्म से या किसी विवाद से मतलब नहीं है। कोई भी धर्म का आदमी हो सकता है, जिनके हम कल्याण के लिए सारे काम करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर मजदूर बहुत दुखी है और जो ये दुखी जो है, ये सिर्फ भाजपा की वजह से दुखी है। भाजपा के कार्यक्रम जो है, रणनीतियां जो है बहुत गलत हैं और उनकी रणनीतियों से जनता परेशान है, गरीब परेशान है, समाज परेशान है, क्योंकि इनके कार्यक्रम जो भी हैं, जितने भी इन्होंने कार्यक्रम करें, सब समाज को डुबोने के काम करे हैं, यानी उत्पीड़न करने का, लड़ाई करने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, क्या मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा सही है? नहीं, गलत है वो तो। ये जो मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे योगी जी जो हैं, ये समाज विरोधी बातें करते हैं और मोदी जी भी समाज विरोधी बातें करते हैं, जो इनको मैं देशद्रोही कहने का, ये देशद्रोही, समाज द्रोही है। ये समाज हित की बात नहीं करते हैं, ये कहते कुछ है करते कुछ है। हमें मोदी जी तो हमेशा झूठ बोलते हैं और पूरा पांच साल तक तो मोदी जी तो विदेश में पड़े रहते हैं, हिंदुस्तान में तो होते ही नहीं है। यहाँ पे कोई दंगा कराएंगे विदेश भाग जाएंगे, मोदी जी यहाँ दंगा कराएंगे मोदी जी विदेश पहुंच जाएंगे। अरे मोदी जी विदेश में पहुंच कर इन्होंने करोड़ों रुपया हमारे हिंदुस्तान का बर्बाद कर दिया, समाज का पैसा बर्बाद कर दिया। ये पैसा किसका है? गरीबों का, मजदूरों का, बेरोजगारों का पैसा है, जिनका पैसा ही मोदी जी ऐसा खा रहे हैं जैसे कि आराम का पैसा खा रहे हैं। मोदी जी अपने वेतन से काम करें ना, क्यों जनता का पैसा खा रहे हैं? मोदी जी को शर्म नहीं आती है कि ये एक पब्लिक के पैसे पे तुम मौज मस्ती कर रहे हो और विदर्भ में घूमते हो? प्रधानमंत्री जो है पूरे देश का होता है, उसको यात्राएं करने का भी अधिकार होता है, लेकिन उन्होंने कहां दुरुपयोग किया ये बताइए आप। अरे अधिकार होता है, 1,65,00,000 रुपया एक दिन का खर्चा है मोदी जी का, ये कोई तरीका है क्या? और जब विदेश जाते हैं तो कई लाखों रुपए में इनका विदेश यात्रा होती है, कोई 10,000-20,000 में यात्रा नहीं होती इनकी है? ये तरीका है क्या? समाज का पैसा ऐसे खाएंगे क्या, बर्बाद करेंगे? इसीलिए हमें प्रधानमंत्री बनाया है, हम इनको सपोर्ट करते थे पहले, लेकिन अब इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। हम इनको प्रधानमंत्री से बनाया कि समाज की हित की बात करें, हिंदुस्तान की हित की बात करें, हम समाज की भलाई करें, समाज में आतंकवाद ना फैलाएं। ये आतंकवाद फैलाते हैं समाज के अंदर, हम हमारे धर्म और जातिवाद को बढ़ावा दें।
किस तरह का आतंकवाद फैला रखा है ये तो बताइए। आतंकवाद ये क्या आपस में हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे, ये हिंदू है ये मुसलमान है, अरे सारे हिंदुस्तान के सारे हिंदू तब संसार की सृष्टि रची गई थी तो हिंदू से रची गई थी, और सब ये हमारे धर्म के आदमी सारे, ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन कोई इन्होंने ये थोड़ी है कि ये हमारे हिंदुस्तानी आदमी नहीं है सो हमारे भाई है, इनके साथ कभी भी ऐसा दंगा फसाद वाली बातें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। और हमारी पार्टी की कभी सरकार बनेगी तो ये सब बातें हम ऐसा दंगा फसाद की बातें नहीं करेंगे, सबको भाई बना के अपने साथ चलाएंगे और अपने साथ उनको रखेंगे। जी कमलेश यादव जी क्या कहना चाहेंगे किस विषय पे? जो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है उत्तराखंड उधम नगर जिले में, जिस संबंध में हमारे अध्यक्ष जी से वार्ता होनी थी उसी संबंध में मैं यहाँ आया था, और पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना इस पे हमारी अध्यक्ष जी की चर्चा हुई है, पार्टी को दिल्ली में चुनाव लड़ाने की, उधम नगर में जो स्थापना दिवस है उसको सफल करने की, उसमें हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों से कि वो लोग भारी से भारी संख्या में उधम नगर पहुंचे। और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के